एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम बढ़िया ना? वेरी गुड। दोस्तों, इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से हर घर में परेशानियां हैं, जो है उसी में गुजारा करना है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। न्यूज देखो तो सिर्फ और सिर्फ यही परेशानियां दिखाई दे रही है चारों तरफ, और देख करके दिल दहल जा रहा है। और कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं व्यूवर्स के, जिनकी परेशानियां जब मैं पढ़ती हूँ तो रिप्लाई करने के लिए कोई शब्द ही नहीं रह रहे हैं। कल ही एक व्यूवर हैं, उन्होंने बताया कि उनका 9वां महीना शुरू हो गया है, प्रेग्नेंट है वो, और उनकी सास उनके पास आने वाली थी। वो हस्बैंड के पास रहती हैं, जॉब में है उनके हस्बैंड। अब मैं समझ सकती हूँ, जब हमारे भी बच्चे हुए तो वो फेस कितना मतलब खतरनाक होता है कि हमारे पास कोई फैमिली ना हो या बड़े बुजुर्ग हमारे साथ ना हो, तो बहुत मुश्किल होता है। और जब उन्होंने ये लाइन लिखी कि मेरी सास आने वाली थी और अब इस समय ट्रैवलिंग सब बंद हो गई है, कोई कहीं आ जा नहीं रहा है, तो मैं एक पल को सोचने लगी कि सोचो उनको कितनी दिक्कत होगी। फर्स्ट डिलीवरी है उनकी और सास नहीं आ पा रही, हस्बैंड वाइफ हैं, और इस तरीके का माहौल है, हॉस्पिटल है और शहरों में है, बहुत परेशानी। और एक व्यूअर है, उनका कमेंट आया कि इन दिनों हॉस्पिटल्स में ब्लड की बहुत कमी है, तो हो सके तो ब्लड डोनेट करने के लिए आप बोलें अपने व्यूअर से। तो क्या क्या कहूँ, मतलब बहुत कुछ है कहने के लिए और शब्द कम पड़ रहे हैं। ये जो दौर बीत रहा है इस समय, बहुत बुरी मुश्किल है, बहुत बुरी मुश्किलों का समय है। और सरकार कितना कुछ कर रही है सबके लिए, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से रिक्शा चलाते, मैंने एक न्यूज में देखा, एक फैमिली अपने गांव जाने के लिए बेचारे रिक्शे में पूरी फैमिली बैठी हो लेके जा रहे हैं। सोचो एक मिनट को, तो ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है उतना बहुत है, कितने को पास तो इतना भी नहीं है। बहुत परेशानियां चल रही हैं। भगवान करे जल्दी से जल्दी ये बुरा वक्त कट जाए और सभी के जीवन में पहले जैसी खुशियां आ जाएं। सो प्लीज लॉकडाउन का पालन जरूर करें, घर पर ही रहें और जो है जितना है जैसा है उसमें ही खा के गुजारा करें। आइए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। ये मैंने दूध फ्रिज से निकाला है और छोटी भगोनी में गरम किया है। गरम इतना जैसे कि मैं अब इस बर्तन को हाथ से छू रही हूँ, तो पहले ठंडा दूध था बर्तन, अब एकदम नॉर्मल हो गया है। अब मैंने एक चम्मच दही डाली है। मैं सुबह इस दूध की दही जमा रही हूँ ताकि दोपहर तक दही जम जाएगी, इसीलिए मैंने ये काम किया। सबका नाश्ता हो चुका है और आज नाश्ते में मैंने सिर्फ पराठे बनाए थे, बुकनू पराठा खाया गया। और इस दूध को मैं जमा करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। अब तो गर्मी शुरू हो गई है, दिन में ही मैं अक्सर दही लगाती हूँ और इस तरीके से अभी बाहर रख दिया है किचन में ही, और शाम तक ये दही अच्छे से जम जाएगी। अब मैंने एक परात में मैदा लिया है, 2 छोटी कटोरी है तो 3 कटोरी समझ लीजिए, या फिर बड़ी कटोरी से 2 कटोरी, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा लिया है मैंने कसूरी मेथी, यानी 1 छोटी चम्मच जितना। और 1 चम्मच चीनी डाली है। सबको डाल के मिक्स कर लेंगे और करीब 1 कटोरी जितनी दही का यूज़ करूँगी मैं। तो इस कटोरे में दही जमी रखी थी पहले से, पर मैं पूरा दही नहीं यूज़ करूँगी, तो 1 छोटी कटोरी जितना दही डाल लूँगी। तो ये जितना पतला वाला दही है ये मैंने पूरा डाल दिया, यानी 1 कटोरी दही डल गई है इसमें। और दही डाल करके मैदे में खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे। ये काम मैं सुबह ही कर ले रही हूँ जब नाश्ता वगैरह हो गया सबका। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं भटूरे का डो रेडी करके रख दूँ, क्योंकि आज लंच में छोले भटूरे बनाने हैं, तो जिसके लिए मैंने ये डो तैयार किया है। तो सुबह ही लगा के रख देंगे ताकि लंच टाइम पर ये आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। और मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, कुकिंग ऑयल, और उसको इस तरीके से पूरे में कवर कर दिया है ताकि ड्राई ड्राई सा आटा नहीं रहेगा। अब इस डो को किसी भी बर्तन से इस तरीके से ढक के रख देंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट लंच टाइम पर ही खोलूंगी। ये छोले हैं, हमने रात में भिगो के रखे थे और सुबह सुबह ये देखिए छोले अच्छे से भीग गए हैं। और इसमें मैंने 1 टी बैग डाला है, जिससे आप देख रहे हैं कि कलर इसका ब्राउन सा आया हुआ है। और छोले भिगोते समय पानी पहले से 2 बार धो के साफ करके भिगोए थे, यानी अब जो पानी है इसका मैं पूरा यूज़ करने वाली हूँ। साथ में नमक डाला है और छोले को कुकर में उबालने रखेंगे।
तो मैं इंडक्शन में 900 में सेट कर रही हूँ और छोला अच्छे से मैश होने तक का बॉईल करते हैं। हमेशा पहले से ही बॉईल रहता है तो बाद में आपको ज़्यादा देर नहीं पकाना होगा। अब मैंने लहसुन लिए हैं 4-6, 2-3 हरी मिर्ची और एक टुकड़ा अदरक को बारीक काट के रख लिया है। इसको डाल देंगे ग्राइंडर जार में और आज ये सब्जी बन रही है सिर्फ एक प्याज में और एक टमाटर में। फ्रेंड्स, ये जो टाइम है इसमें हमें छोटी छोटी बचत करके चलना है। मैं सिर्फ एक टमाटर में ये पूरी सब्जी बनाने वाली हूँ और सिर्फ एक गांठ प्याज। अब ये सारा पेस्ट तैयार हो गया है, इसे मैं दूसरी कटोरी में निकाल के रख ले रही हूँ। और जब छोले में मतलब अच्छे से पक गए हैं, खूब अच्छे से 4-6 सीटी लग चुकी हैं, तब इंडक्शन बंद करके उसको साइड में रख दिया है। अब कढ़ाई में मैंने तेल डाल करके गरम किया है और 2 तेज पत्ता डाले हैं और 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4-6 लौंग डाले हैं। 1 चम्मच जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है चुटकी भर, और जो हमने ये पीसा है मसाला ये डाल देंगे प्याज टमाटर वाला, और इसे डाल करके भूनेंगे 1-2 मिनट। इस तरीके से भूनेंगे, देखिए कढ़ाई पे, तो जैसे इसका जो मॉइस्चर है, प्याज का जो पानी है, वो थोड़ा सा कम होने दें। इसके बाद अब हल्दी पाउडर डाला है हमने छोटी चम्मच, और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच के से थोड़ी सी ज़्यादा है। लाल मिर्ची डाली है क्योंकि हरी मिर्ची बहुत कम थी आज, मतलब कम ही यूज़ करी, और आधा चम्मच करीब गरम मसाला डाला है। ये सूखे मसाले डालने के बाद भून लेंगे, और यहाँ पर हल्का सा पानी था प्याज के टमाटर वाले पेस्ट में, इसलिए हमने पानी नहीं डाला है, और अच्छे से उसको हिलाते हुए भून लेंगे। तो आप देखेंगे तेल एकदम से सेपरेट होने लगता है, मसाला अच्छे से भून जाता है। ये देखिए तेल अलग और मसाला अलग हो रहा है, मसाला अच्छे से भून चुका है। उसे हिला लेंगे, ये देखिए चिपकने भी लग रहा है, मतलब अब मसाला खूब अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हमने ये उबले हुए छोले डाले हैं, साथ में वही पानी जो छोले उबालते समय पानी डाला था, और आज जो ये छोले बन रहे हैं ये दोनों ही टाइम का खाना है। अब इन दिनों तो वो हाल है कि एक बार बना लो और 2 टाइम खा लो, क्योंकि जब एक बार सब्जी बनती है ना तो जो भी तेल लगता है वो कम लगता है, या टमाटर प्याज जैसा कि अभी आपने देखा, ये पूरी सब्जी एक प्याज और एक टमाटर में बनी, जो भी तेल लगा एक बार की लगा। अब इसे मैंने आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाला है, जब सब्जी उबाल आने लग रही है अमचूर से थोड़ा खट्टापन आएगा, मैंने अभी ग्रॉसरी में लिया था इस बार। और एक थोड़ा सा एक छोटा चम्मच लिया है कसूरी मेथी, उसे भी क्रश करके डाल दूंगी। आज फिर मैं धनिया पत्ती का यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्रिज में रखी होने के बावजूद, क्योंकि थोड़ी सी है, जिन चीज़ों में उसके बगैर काम चल रहा है तो मैं उसे नहीं यूज़ करना चाहती। और एक साथ ही खट्टी सब्जी बनाने के जो फ़ायदा है, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है भुने जीरे का पाउडर पिसा हुआ, और उसे भी डाल करके मिक्स कर लेंगे। अब देखिए टोटल जितना भी मसाला, तेल या प्याज टमाटर यूज़ हुआ है, लेकिन ये दोनों टाइम के लिए सब्जी है 4 लोगों के लिए अपनी फैमिली में। तो 2 बार अलग अलग अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आपने भी देखा है उतना ही तेल लगता है, फिर मसाले भी लगते हैं और टमाटर प्याज लहसुन सारी चीज़ें लगनी है। यहाँ पर ये मैंने हांडी में पलट लिया है और दोनों टाइम का हम लोगों को गुजारा करना है। तो इस तरीके से इस समय ये जो टाइम है ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि मिस यूज़ ना हो, वेस्टेज ना हो, और एक बार मतलब बना है तो आराम से सब लोग खा लें, बार बार उस चीज़ की मतलब ज़्यादा खपत ना हो। ना समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मैंने बर्तन भी सब साफ़ कर लिए हैं, तो किचन क्लीन कर लिया है, और बच्चों का तो बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है कि उनका टाइम ही नहीं कट रहा है। थोड़ी देर खेलते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, थोड़ी देर मोबाइल, जैसा कि शुभम अभी पापा का मोबाइल लिए है और शुभी अपना ये खेल रही है, ये बनाती है कभी कभी, तो बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी हो गई है। तो बना रही थी तो मैंने कहा तुम्हारा शूटिंग करूं, वो भी अपना टाइम पास में यही कर रही थी। एक बार मैंने और भी दिखाया था एक बार वीडियो में कि शुभी इसको खूब अच्छे से सेट कर लेती है, जल्दी सेट कर लेती है, मतलब इसकी एक ट्रिक होती है तो फिर वो तुरंत बन जाता है। और ये तैयार हो गया। थोड़ी कभी कभी ड्राइंग भी बच्चे बीच बीच में कर ले रहे हैं, और आज तो सुबह रामायण आई थी और शाम को महाभारत देखी जाएगी। और अब मैं छोले निकाल रही हूँ सबके खाने के लिए, तो मैं इन तीनों के लिए निकाल रही हूँ छोले, बाद में मैं खाऊंगी और भटूरे तलती जाऊंगी। और तीनों की प्लेट में छोले रख के प्लेट रख दिए हैं, बच्चे टेबल पर लिए जा करके रख लेंगे, और एक प्लेट में सारे भटूरे तल के दे दूंगी तो वो लोग खाते रहेंगे। भटूरे एक ऐसी चीज़ है कि गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडे बना के रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं इस टाइम बना रही हूँ जब सबको खाना है।
और सुबह पराठे बनाए थे तो बुकनू पराठा खाया गया, हमने चाय ली, बच्चों ने दूध लिया और बस इसी तरीके से समय कट रहा है। सुबह आती है फेरी वाले, सब्जी लेके भी निकलते हैं, पर पता है सच सच कहूँ तो लेने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता ताला लगा है तो लगा रहने दो। सिर्फ दूध वाले भैया के लिए शाम को खोलती हूँ मैं, जिस भी टाइम वो आए। एक तो उनका इस वक्त फिक्स भी नहीं है, पर जब भी वो आते हैं बस उनके लिए खोलती हूँ मैं दरवाज़ा, और किसी के लिए भी नहीं। ना हम ना कहीं जाना है ना कुछ आना है, क्योंकि सब्जी लेने में भी तो वही है ना, नीचे उतरो फिर वो सब जगह बेच रहे हैं सब्जियाँ, सब कुछ हुआ हुआ है, और फिर रुपए भी उनसे तो कैश में ही लिया जाएगा, फिर लेन देन होगा, फिर कितना भी धुलो हाथ और ये सारी चीज़ें करो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम जिस चीज़ के बगैर भी अगर गुजारा हो रहा है तो ज़रूरत क्या है लेने की। तो और भी चीज़ें हैं ना घर में, तो वो खा सकते हैं, और तो इसलिए अभी जब तक चल रहा है गुजारा तब तक ठीक है, जब कुछ नहीं होगा कि हाँ आप क्या करें घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, तब देखा जाएगा। तो बस यहाँ पर इन लोगों का खाना हो रहा है और मैं भटूरे तलती जा रही हूँ और देती जाऊंगी। कल ही एक व्यूवर की मतलब एक कमेंट था कि आप इस टाइम पर हाउसवाइफ्स को बताएं कि कैसे कम में गुजारा करें, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि जैसे अब जैसे कम से कम अगर कोई चीज़ करनी होती है, वही देखो आप ज्वाइंट फैमिली में खाना पहले बनता था इकट्ठे बनता था, जब आप इकट्ठे कोई चीज़ बनाते हैं ना तो आपको एक मतलब जो भी सब्जी तेल मसाले जो भी लगना है गैस ईंधन वो एक तरीके से लगेगा, वही चार परिवार में अलग अलग बनती है चीज़ें तो चार तरीके से खर्चे होते हैं चार। तो इस समय यही है कि थोड़ी जितनी हो सके छोटी छोटी बचत करके चलना है, जैसे अगर कभी भी कुछ भी बनाना है तो क्वांटिटी ज़्यादा बना लो, तब भी वो कुछ चीज़ें उतनी लगती है ना मसाले और तेल वगैरह, तो वो बचत हो सकती है। सब्जी में भी वही है कि बनाया दाल साथ में बना लो, थोड़ी सब्जी बना लो जहाँ पर अगर सब्जी और दाल दोनों बननी है, या एक टाइम हल्का खाना खाना है तो खिचड़ी खा लें। तो जैसे मैंने अभी छोले बनाए हैं, इस टाइम भटूरे खाए जाएंगे, फिर रात में लगेगा तो थोड़ा चावल बना लूँगी तो छोले चावल खा लेंगे, और थोड़ा सा डो बचा हुआ है तो कुछ भटूरे तल जाएंगे, मतलब इस तरीके से एडजस्ट। तो कुल मिला के मतलब ये कहना है कि इन दिनों हम लोगों को हर चीज़ सोच करके चलनी है, और जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही यूज़ करें। और दोपहर में मैंने आराम किया, बर्तन नहीं धुले थे क्योंकि खाना बनाने के बाद वाले बर्तन तो धुल ही चुकी थी मैं, सिर्फ प्लेट कटोरियाँ रह गई थी, तो मुझे लगा मैं शाम में धुलूंगी। और अब मैं फिर से आई हूँ किचन में, तो यहाँ पर ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, दही जो मैंने सुबह लगा के रखी थी अच्छे से जम गई है, देखिए है ना। अब इस दही को मैं फ्रिज में रख दूंगी, तो फ्रिज में रखने से ठंडी भी हो जाती है और दही और भी अच्छे से सेट हो जाती है। और आजकल चाय बनाने की ड्यूटी रहती है तो कभी शुभी कभी शुभम, मतलब बोलना भी नहीं पड़ता, बस मैं ये कहती हूँ कि चाय पीने का मन कर रहा है तो बच्चे कूद पड़ते हैं, अच्छा मैं बनाऊँ मैं बनाऊँ, तो शुभी चाय बना रही है। कई बार तो उन लोग को बनाना ही होता है तो पूछना शुरू कर देते हैं 3 बजे से, चाय बनाएं क्या चाय बनाएं क्या, तो मैं 4 बजे के बाद ही 4 के आसपास ही लेती हूँ चाय। तो अब शुभी ने चाय बनाई है और आज 2 कप चाय बना रही है वो, उसके पापा भी साथ में लेंगे तो थोड़ा थोड़ा बोल उन्होंने बोला आधा कप मेरे लिए भी बना लो, तब बना रही है शुभी। और चाय बनाना तो आता है दोनों बच्चों को मेरे, और दोनों ही बच्चे अच्छी चाय बनाते हैं मेरे मुताबिक। और यहाँ पर भी मैं कंजूसी कर रही हूँ, मतलब अदरक के बगैर चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, खासकर जब घर में रखी हो तब तो सवाल ही नहीं है कि मैं बिना अदरक के चाय बना लूं, लेकिन यहाँ पर फ्रिज में 2-3 गांठ अदरक रखी है, लेकिन बिना अदरक की चाय बनाने को बोला मैंने शुभी से कि ठीक है नहीं चाय तो पी लेंगे, बाकी कुछ चीज़ों में लगती है कि अदरक चाहिए है किसी और डिश में तो उसमें काम आएगी। तो आज फिर एक एक गांठ अदरक की भी बचत कर ली मैंने। और यहाँ पर अब मैंने टोस्ट का पैकेट खोला है, ये मैंने ग्रॉसरी शॉप में दिखाया था जब शॉपिंग करी थी, तो ये टोस्ट है इलायची फ्लेवर में, तो चाय के साथ लेना है, एक एक दो दो ही लेना है, एक पी लिया बस, चाय फीकी खाली नहीं पीनी है तो इसलिए कुछ हल्का खाने के लिए, और भूख तो नहीं लगती है इस टाइम, बस सिर्फ चाय लेती हूँ मैं, चूँकि हस्बैंड को बस मन कर रहा है उनका तो इसलिए टोस्ट निकाले हैं, तो बस एक टोस्ट और चाय लूँगी मैं भी। और बच्चों को तो वही है कि दूध लेंगे लेकिन अभी कह रहे हैं नहीं पीना है, थोड़ी देर से लेंगे। और फ्रेंड्स बस अब यही है कि बच्चों को कितना समझाना पड़ेगा अपने घर में, और कितना भी बाहर की चीज़ें आएं मतलब सामने मिल रही हों, इन दिनों वही ना थोड़ी देर के लिए उन्हें छूट दिया है कि ठेले वगैरह निकलते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर घर में है चीज़ें या उनके बगैर गुजारा हो सकता है तो ना ही लें तो अच्छा है। और अब दूध वाले भैया भी आ गए हैं, तो मैंने दूध को अच्छे से साफ़ करके जैसा बताया था ठीक उसी तरीके से उबालने रखा है, और बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं खाने के बाद, और आज शाम को ये महाभारत देखी जा रही है, पुराने दिनों को याद करके।